Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो guys, मैं हो चुका हूँ तैयार। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब मैं ऑफिस जाऊँगा, तो ऑफिस से आने के बाद आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगा। ओके गाइज, अस्सलामुअलैकुम। गाइस, मैं आ चुका हूँ ऑफिस से। अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ ऑफिस से और जो है आज मैं बहुत लेट आया हूँ ऑफिस से। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ऑफिस से, ऑफिस से आने के बाद जो अब मैं नाश्ता करूंगा अपनी मदर के साथ, तो चले आते हैं। गाइस, अब मैं कर रहा हूँ नाश्ता ऑफिस से आने के बाद। मामा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमान चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। बस आज अमान जो है मेरे लिए चिकन पैटीज लेके आए, तो मैं आज चिकन पैटीज का नाश्ता करूंगी। मां, कैसा है? मज़े के हैं बेटा। बस रोज़ रूटीन, नया दिन, नए आगाज़, ज़िंदगी का यही काम है। सुबह उठें, घर को देखें, वही रूटीन होती है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो गाइस, अब मैं करूँगा नाश्ता और नाश्ता करने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम है। मुझे डिफ्यूज़र वगैरह भी साफ़ करना है, मुझे हेयर कटिंग करवानी भी जाना है और मुझे शर्ट्स वगैरह भी लेने जाना है बाज़ार। तो काफ़ी सारे काम मुझे करने हैं। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि बेटा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको हर नेमत से नवाजा हुआ है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी कामयाबियाँ दे। और बस सबके लिए दुआ वो होती हूँ कि सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आमीन। तो गाइस, नाश्ता जो है मैंने कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ डिफ्रीज़र वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज जो है मुझे डिफ्रीज़र वगैरह साफ़ करना है। तो आ जाएँ, आप लोगों को भी दिखाते हैं। शाबाश बेटा। मैं कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा जो डिफ्रीज़र जो है इस जगह पे रखा होता है, और मैं आज कर रहा हूँ डिफ्रीज़र साफ। मैंने सारा सामान जो है निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप, और अब मैं कर रहा हूँ डिफ्रीज़र साफ। गाइस, ही महीने के अंदर जो है 2-3 मरतबा जो है डिफ्रीज़र लाजमी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम इसके अंदर इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, तो अगर फिर वो उसको साफ़ ना किया जाए तो उसके अंदर स्मेल हो जाती है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसमें स्मेल वगैरह तो नहीं होती, और जो है हम लोग जो है इसको महीने में 2-3 दफ़ा जो है 3-4 दफ़ा इसको वॉश कर लेते हैं। तो मैं खुद ही कर लेता हूँ वॉश, क्योंकि मम्मा तो कह रही होती है, लेकिन मैं डिफ्रीज़र का काम जो है मैं खुद ही कर लेता हूँ। मैंने सामान वगैरह पहले खाली कर लिया था, और अब उसके बाद जो है मैंने इस पर साबुन वगैरह लगा लिया है। मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर रहा हूँ, रगड़ूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है, जाके अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी बात शेयर की जाए। आप भी हमारी फैमिली की तरह हैं, आप भी हमारे हर चीज़ को इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं, इतने अच्छे अच्छे सब कुछ करते हैं, लाइक करते हैं हमारी वीडियोज़ को, तो आपसे हर बार शेयर की जाए। तो मैं स्पंज ब्राइट से इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेता हूँ, इसको अच्छे तरीके से जो इसको सब जगह से वॉश कर लेता हूँ स्पंज ब्राइट की मदद से। देते तो मम्मा खुद करा करती थी डिफ्रीज़र साफ़, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए तो अब हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है डिफ्रीज़र साफ़ करने के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए मम्मा को बोलते हैं कि आप छोड़ दिया करें, हम खुद कर दिया करेंगे। मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। तो गाइस, ये मेरा डिफ्रीजर जो है साफ हो चुका है। छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। अंडे का कोगी ना, अब वही चालू। मैं आई हूँ गोश्त लेने के लिए शादीप के साथ। शादीप जो है वो गोश्त ले रहे हैं, और मैं जो है वो गाड़ी में बैठ के ही जो वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर निकलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो मैं यहीं से वीडियो बना रही हूँ।
तो बस घर के ये काम होते हैं तो बच्चे मुझे भी साथ लेके चले जाते हैं कि मम्मा चले आपकी भी जो है वो आउटिंग हो जाएगी। तो बस मैं भी इन लोगों के साथ ही आ गई थी। अभी इन्होंने गोश्त ले चुके हैं और कल जुम्मा है तो बस ये होता है कि बिरयानियाँ शिरयानियाँ बननी होती हैं और माशाल्लाह मेरी भी नवासा नवासी आने होते हैं। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं यहाँ आई थी और यहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी थी तो मेरा दिल चाह लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, मेरा दिल चाह कि मैं वीडियो बनाऊँ। वाकई में इतने अच्छे जो हैं माशाल्लाह से पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है माशाल्लाह यहाँ। बस दिल ही नहीं चाह रहा मेरा यहाँ से वापस जाने का। तो मम्मा जो है शनाख्ती कार्ड के ऑफिस गई थी, उनको कुछ ज़रूरी काम था तो जो है वहाँ से जो है ये आ रही हैं, अभी स्टेट से उतर रही हैं तो काफ़ी खूबसूरत बना। तो बस गाइस हम लोगों को बाज़ार से कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी थी तो मम्मा ने कहा चलो आ जाओ आज मार्केट चलते हैं, आपको कुछ शर्ट्स वगैरह दिला देती हूँ, पैंट वगैरह दिला देती हूँ। तो हम ये सब कुछ लेने के लिए, शर्ट्स और पैंट लेने के लिए मार्केट आए हुए थे। तो बस मैं यहाँ पे शर्ट वगैरह पसंद कर रहा था कि कौन सी शर्ट लूँ। मुझे एक शर्ट पसंद आई पीच कलर की, वो बहुत अच्छी लग रही थी। एक शर्ट तो वो मैंने वो ले ली और भी मैं पसंद कर रहा हूँ। तो गाइस पीच कलर भी बहुत अच्छे लगते थे। कैल्विन क्लाइन की जो शर्ट थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा मम्मा ये ओके करवा लें, ये अच्छी लग रही है। तो मेरी नज़र येलो शर्ट पे पड़ी तो येलो शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने कहा मम्मा थोड़ी सी भूख लग रही है तो हम एक काम करते हैं कि जो है ना कचौड़ियाँ वगैरह खा लेते हैं, इनकी कचौड़ियाँ बहुत मज़े की होती हैं, यहाँ पर जो है इनकी कचौड़ियाँ बहुत मज़े की होती हैं। फिर हम लोग इनकी कचौड़ियाँ खाने लग गए। तो ये देखिए आप, ये आप लोग के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप लोग भी खाना मत भूलिएगा। इनकी कचौड़ियाँ समोसे और मिर्चे वगैरह सब चीज़ें इनकी बहुत साफ़ सुथराई से बनाते हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो गाइस इसके बाद जो है हमारा दिल चाहे लिमका पीने का तो हम लोग जो है लिमका पीने के लिए गए। तो मैंने लिमका पिया, लिमका मुझे बहुत पसंद है तो मैंने कहा मैं लिमका नहीं पीऊँगी, लिमके में नमक वगैरह होता है ना तो इसलिए। तो मैंने ही लिमका पिया और लिमका बड़ा मज़े का लग रहा था।
तो मम्मा कब से गुस्सा कर रही थी, बेटा बाल बाल कटवा कर आ जाओ, हेयर कटिंग करवा कर आ जाओ, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो फिर मैं जो है हेयर कटिंग करवाने चले गया, फिर हेयर कटिंग करवा रहा था मैं वहाँ पर शॉप पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी जो है मैं शेप वगैरह और जो है कटिंग वगैरह करवा कर हूँ, और काइंडली शेप वगैरह भी करवा ली। मम्मा बहुत गुस्सा कर रही थी कि जो है शेप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आप जो है कटिंग वगैरह करवा कर आएँ इसको। तो मैंने ये जो है कटिंग करवा ली है। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से इन्जॉयमेंट भी होता रहेगा और आप लोगों को जो है मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी दिखाता रहूँगा, टूर भी करवाता रहूँगा। मेरी मम्मा को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। के बाद जो है मैंने खाना वगैरह भी खा लिया, अभी खाने वगैरह से फारिग हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो कल डेली रूटीन के अंदर कल नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ओके भाई, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।